हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषिकेश बानकर, लेक्चरर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। इन द लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कस्ड अबाउट एलईडी, एलसीडी एंड पीएमएमसी मीटर। नाउ टुडेज टॉपिक इज एनालॉग एंड डिजिटल मीटर्स। सो इन द लास्ट लेक्चर व्हाट वी हैव कवर, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पीएमएमसी, देन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पीएमएमसी मीटर, देन liquid crystal display and light emitting diode. Now today's session we will cover the topics, that is analog and digital meters. Under these analog and digital meters we will see the advantages and disadvantages of analog and digital meters, then comparison between analog and digital meters, and finally ammeter and ohmmeter. So these are the topics which we will learn today. So before start our today's topic, first we of all we will see the learning outcomes of today's session. So you will be able to know the analog and digital meters, then you will able to know the advantages and disadvantages of analog and digital meters, then you will able to know the comparison between analog and digital meters, and finally you will able to know the ammeter and ohmmeter. So these are the learning outcomes of today's topics. So first of all we will see the analog instruments or analog meters. So analog instruments is an instrument whose output is continuous function of time. So analog instruments ya analog meter mein kya hota hai, jo output rehta hai wo continuously time related rehta hai. So continuous function of time. Then these usually have a constant relation with input. So inka jo input hota hai wo constantly rehta hai. Then majority of the analog instruments have dial pointer arrangement for indicating the quantity. तो ये जो analog meters होते हैं, ये इसमें जो readings आती है वो pointer के हिसाब से अपने को दिखती है. Dial pointer होता है उसमें, arrangement होती है pointer की analog meters में. Okay. Then advantages of analog meters. So the first advantage is it's simple and rugged in construction. ये जो एनालॉग मीटर्स होते हैं ये सिंपल होते हैं और रब्ड होते हैं कंस्ट्रक्शन में. देन एडजस्टमेंट्स आर इजी टू मेक. इसमें जो एडजस्टमेंट करनी होती है वो इजी होती है. देन नॉट अफेक्टेड बाय नॉइज. अब जो भी नॉइज रहता है अगर उसमें ऐड हुआ तो कोई उसमें इफेक्ट नहीं होता है. देन ओवरलोडिंग कैपेसिटी इज बेटर. अब इसमें जो ओवरलोडिंग कैपेसिटी होती है, मतलब लिमिट के आसपास या लिमिट से थोड़ा ऊपर, तो वो ओवरलोड कर सकता है. देन वर्क्स ऑन ओरिजिनल सिग्नल फॉर्म, दैट इज एनालॉग फॉर्म. तो ये कौन से इनपुट पे वर्क करता है? ओरिजिनल सिग्नल फॉर्म पे, दैट इज जो एनालॉग फॉर्म होता है, ओरिजिनल एनालॉग फॉर्म, उस पर यह वर्क होता है. देन डिसएडवांटेजेस ऑफ एनालॉग मीटर्स. सो द डिस्प्ले इज इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर एंड डायल, सो एरर मे बी इंट्रोड्यूस्ड व्हाइल टेकिंग रीडिंग. अब इसमें जो डायल पॉइंटर होता है, जो पॉइंटर होता है जो रीडिंग लेते हैं हम, उसमें एरर आ सकता है. जैसे वो अगर फ्लक्चुएट हुआ तो हमें प्रॉपरली रीडिंग नहीं मिलती है. सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ एनालॉग मीटर. देन एक्यूरेसी इज लेस. अब इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो लेस होती है, क्योंकि पॉइंटर का फ्लक्चुएशन की वजह से हम प्रॉपरली रीडिंग नहीं ले पाते. सो एक्यूरेसी इज लेस. देन रिजोल्यूशन इज लेस. देन लेस फ्लेक्सिबिलिटी. एंड डाटा स्टोरेज इज नॉट पॉसिबल. इसमें कोई भी डाटा हम स्टोरेज नहीं कर सकते. So these are the disadvantages of analog meters. Now digital instruments or digital meters. So these instruments represent the measured value in the form of digital number. अब ये जो instrument होते हैं, ये जो reading लेते हैं, जो या फिर जो value measure करते हैं, वो किस में होता है? Digital form में होता है, क्योंकि ये digital meters होते हैं. तो ये digit में हमें value मिलती है, measure करते हैं हम. दीज वर्क ऑन क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल. अब ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है डिजिटल मीटर्स. देन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन इज इन्वॉल्व इन द क्वांटाइजेशन प्रोसेस. अब क्वांटाइजेशन प्रोसेस में कौन सा कन्वर्शन होती है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन. तो इनपुट हमारा एनालॉग है तो उसमें हमें आउटपुट चाहिए, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन करना पड़ता है. फिर डिजिटल कन्वर्शन या डिजिटल मीटर के थ्रू हमें दिखता है, तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन प्रोसेस. Then advantages of digital meters. The display is in convenient form, that is LED, LCD, etc.
then error in reading the quality is not represent due to effective display. Then data is in digital form which can be stored. अब इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं जो डिजिटल फॉर्म में होता है. इसमें जो एरर होती है रीडिंग में, ये हम प्रेजेंट ड्यू टू इफेक्टिव डिस्प्ले की वजह से हम प्रेजेंट नहीं कर सकते. देन पावर कंजम्पशन इज लो. अब इसमें जो पावर कंजम्पशन होता है डिजिटल मीटर्स में वो लो हो रहता है. सो पावर कंजम्पशन इज लो. देन डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मीटर्स. सो दीज आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर वेरिएशन. ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं डिजिटल मीटर्स. टेम्परेचर वेरिएशन के हिसाब से वो उसमें चेंजेस आते हैं. देन द ओवरलोडिंग कैपेसिटी इज मोर. इसमें जो ओवरलोडिंग कैपेसिटी होती है वो मोर ज़्यादा होती है. देन ऑपरेशन में बी एफेक्टेड ड्यू टू नॉइज एंड कंपेरिजन बिटवीन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स. सो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स. So analog instruments represent the quantities in analog form and the digital instruments represent the quantities in the digital form. Now example of analog instruments are recorder, speedometer, telephone system etc. अब ये जो recorder होते हैं, speedometer होते हैं, telephone system होती है, ये सब analog instrument में आते हैं. Now digital instruments examples are digital watches, digital computers etc. तो जो हमारे डिजिटल वॉचेस होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, ये सब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं. देन डिज़ाइन ऑफ एनालॉग इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम इज़ डिफिकल्ट. अब एनालॉग इंस्ट्रूमेंटेशन में जो डिज़ाइन होती है, ये सिस्टम की डिज़ाइन डिफिकल्ट होती है एज कम्पेयर टू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स. एंड द डिज़ाइन ऑफ डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम इज इजियर. द डाटा स्टोरेज इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स इज डिफिकल्ट बट द डाटा स्टोरेज और लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा can be stored easily in digital instruments. Then the analog instruments are less accurate but the digital instruments are more accurate. The precision is limited to 3 or 4 digits only in analog instrumentation but in digital instrument the precision is more than analog system. The data cannot be represented in presentable form. Analog instruments mein jo data hota hai wo hum presentable form mein nahi bana sakte. और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन प्रेजेंटेबल फॉर्म. द एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स वर्क्स इन एनालॉग फॉर्म दैट इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सिग्नल बट इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट द सिस्टम इन्वॉल्व्स अप्रोक्सीमेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल. देन एमीटर दैट इज डिजिटल एमीटर. एसी क्वांटिटी इज रेक्टिफाइड यूजिंग डायोड ब्रिज रेक्टिफायर एंड एसी इज कन्वर्टेड टू डीसी. तो इन एमीटर और डिजिटल एमीटर में एसी क्वांटिटी इज रेक्टिफाइड यूजिंग डायोड ब्रिज रेक्टिफायर. जो ए सी को डी सी कन्वर्ट करता है वो यूजिंग डायोड ब्रिज रेक्टिफायर से कन्वर्ट करते हैं. देन द डी सी इज पास्ड थ्रू सुटेबल शंट. द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज मेजर्ड यूजिंग इंट्रीगेटिंग टाइप ऑफ होल्ट मीटर और रैम्प टाइप ऑफ होल्ट मीटर. अब इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ये मेजर करते हैं यूजिंग होल्ट मीटर से या रैम्प टाइप ऑफ होल्ट मीटर से या फिर इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ होल्ट मीटर. Then ohmmeter, series and shunt. So ohmmeter is used to directly measure the resistance of a device, element, circuit, etc. जो ohmmeter होता है ये इससे हम resistance measure करते हैं. So ohmmeter is used to measure the resistance of any device or element or circuit. This meter is used to determine approximate, not too accurate, resistance of the circuit components. अब जो circuit में components लगे रहते हैं उसका जो रेजिस्टेंस मेजर करना होता है वो रेजिस्टेंस हम ओम मीटर से मेजर करते हैं बट ये एक्यूरेटली नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है. देन इट कैन बी यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट ऑफ द हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, फील्ड कॉइल रेजिस्टेंस एक्सेट्रा. एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर चेकिंग द सेमी कंडक्टर डायोड्स. सो द ओम मीटर इज ऑल्सो यूज टू चेक द सेमी कंडक्टर डायोड्स. नाउ प्रोग्राम आउटकम्स. सो PO1 इज बेसिक नॉलेज. तो आज के सेशन में जो टॉपिक्स लिए उसका बेसिक जो नॉलेज है वो हमें पता होना चाहिए, इसलिए PO1 इज मैप. देन PO2 इज डिसिप्लिन नॉलेज. तो आज के सेशन में जो टॉपिक्स लिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में आते हैं. सो डिसिप्लिन नॉलेज दैट इज PO2 इज ऑल्सो मैप. देन PO3.
सो PO3 इज एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस। अब आज के सेशन में जो टॉपिक्स लिए वो हम जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो उसमें वो यूज में आते हैं। सो PO3 इज आल्सो मैप्ड। देन PO5, सो PO5 इज द इंजीनियर एंड सोसाइटी। अब हर इंजीनियर को सोसाइटी में इस आज के सेशन में जो टॉपिक्स लिए वो यूज में आते हैं। सो PO5 इज आल्सो मैप्ड। देन PO8, सो PO8 इज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। तो हम इंडिविजुअली या फिर टीम में अगर प्रोजेक्ट बनाना है तो आज के सेशन के टॉपिक्स हमें यूज में आते हैं। सो PO8 इज आल्सो मैप्ड। एंड लास्ट PO10, दैट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो आज के सेशन के जो टॉपिक्स है वो हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग याद रहते हैं। सो PO10 इज आल्सो मैप्ड। सो दीज आर द प्रोग्राम आउटकम्स ऑफ टूडेज टॉपिक। सो वी विल समराइज अवर लेक्चर। टूडे वी हैव लर्न अबाउट द एनालॉग एंड डिजिटल मीटर्स, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल मीटर्स, एंड द कंपेरिजन बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल मीटर्स, एंड लास्टली एन एमीटर एंड ओम मीटर। तो ये टॉपिक्स हमने आज कवर किए। देन सो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू एंजॉय द टुडेज सेशन। थैंक यू। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ मीटर एंड कैलिब्रेशन।